हेलो दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले इस गाड़ी का वीडियो डाला था और मैंने बताया भी था कि इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। मछली लोड थी इस गाड़ी में। तो इस वीडियो में हम महिंद्रा का दम बताने वाले हैं, खासकर पिकअप का, कि घलने के बाद यानी कि एक्सीडेंट होने के बाद ही पिकअप चल कर गई है। तो इस गाड़ी में मछली लोड थी, मैंने उस वीडियो में बताया भी था। इस गाड़ी में मछली लोड थी, बिहार जा रही थी और बिहार की गाड़ी थी ये। रात के टाइम में पीछे से ट्रक में घल गई थी, जिसकी वजह से इसमें काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा था आगे से। बॉनेट, बम्पर और केन वगैरह भी सब कुछ यानी डैमेज हो गया था, लेकिन इसमें दो लोग थे, किसी को कुछ भी नहीं लगा था। और जो गाड़ी इसको लोड करके ले जा रही थी तो उसका भी एक्सीडेंट हो गया था, मैंने बताया भी था। तो ये भी आगे से घल गई थी, पीछे वह गाड़ी लोड है जो पहले गाड़ी घली थी, आप लोगों को दिख रहा होगा। और आगे वाली भी घल गई है, यानी ये भी ट्रक में घल गई थी पीछे से। तो खास बात क्या है इस वीडियो में, वो आपको दिखाने वाले हैं। तो महिंद्रा का दम बताने वाले हैं खासकर। तो जो ये पहली वाली गाड़ी है वो पीछे लोड है और ये दूसरी वाली गाड़ी है जो लोड करके ले जा रही थी, तब उसका वीडियो दिखाते हैं आपको। तो यही गाड़ी चल रही है, वो आप लोगों को दिख रहा होगा, यही गाड़ी है जो जिसका यानी बाद में एक्सीडेंट हुआ है। और पीछे पहली वाली गाड़ी भी लोड है, तभी दिखाते हैं पूरा। ये रोड पर चल रही है, ये पूरी खुली है आगे से, दिख रहा होगा। चेहरा मैंने इसलिए ब्लर कर दिया है कि अच्छा नहीं लगता किसी का चेहरा इतना रिवील करना, तो मैंने इसको ब्लर कर दिया है। ये लोग ऊपर बैठे हैं गाड़ी के, तो ये वही गाड़ी चल रही है। तो पीछे भी दिखाते हैं आपको, वह है गाड़ी लोड है एक्सीडेंट वाली, तो दिख रहा होगा आपको, ये है गाड़ी लोड। ये पहली वाली गाड़ी है जिसमें ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था, वही दूसरी वाली जिसको लोड करके ले जा रही थी, ये वह वाली है जो पूरी खुली हुई है, दिख रहा होगा आपको। इसमें सादा इंजन है और ये पूरी खुली है। हालांकि इसमें ज़्यादा एक्सीडेंट तो नहीं हुआ था, लेकिन चल रही है, कुछ भी ख़राब नहीं हुआ है इतना एक्सीडेंट होने के बाद। तो महिंद्रा की पिकअप बेस्ट पिकअप। अगर इसके एक्सीडेंट पर नज़र डालते हैं तो आप लोगों को सामने से दिख रहा होगा, ऐसा लग रहा है कि गाड़ी चलने लायक नहीं है जब तक काम नहीं होगा गाड़ी में। इतना ज़्यादा दिख भी रहा है सामने से, क्योंकि सामने इंजन भी रहता है, तो जैसे इंजन में कुछ ना कुछ हुआ है। लेकिन गाड़ी चल रही है इतना डैमेज होने के बाद भी। ये उसी दिन का वीडियो है, मैंने लेट डाला है इसको, लेकिन उसी दिन का वीडियो है। दोनों ही गाड़ी में किसी को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है, सिर्फ गाड़ी में डैमेज आया है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि गाड़ी सेफ चलाएं, खासकर सुबह के टाइम 4-5 बजे।